जय माता दी, जय मां कामाख्या। अक्सर हम कई बार देखते हैं कि मंदिर में बहुत से मनुष्य भगवान जी अंदर गर्भ गृह में रहते हैं, तो अब उन तक तो पहुंच नहीं सकते, तो अपनी जेब से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए निकाल करके भगवान के सामने फेंक देते हैं और दर्शन करके आगे बढ़ जाते हैं। तो भगवान के सामने ये नोट निकाल करके फेंकना, आप किसके सामने नोट निकाल करके फेंक रहे हो? जिसने आपको दिया, आपको इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया, और उसी का तो दिया हुआ है सब, आप उसी के सामने नोट फेंक रहे हो, फिर प्रार्थना करते हो, फिर उनसे भीख मांगते हो, कैसी मूर्खता है। अब जैसे मैं ही हूं, एक उदाहरण दे दें, या आप लोग हैं, यदि कोई आपके सामने पैसे रुपए फेंक कर चला जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप उस व्यक्ति को, महाशय जी को बुला करके कहोगे कि हमें भिखारी समझ रखा है क्या? तो सोचिए, जब ये फीलिंग्स हमारी हो सकती है तो भगवान की क्यों नहीं हो सकती? तो भगवान को कैसी फीलिंग आती होगी जब कोई व्यक्ति उनके सामने नोटों की गड्डी फेंक देता है, चिल्लर फेंक देता है? और बहुत से व्यक्ति यह कह रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति में कैसी फीलिंग, तो उसका मंदिर जाना बेकार है। बहुत से मनुष्य क्या करते हैं कि 10 रुपए चढ़ाएंगे और 1 करोड़ की बात करेंगे, लाखों रुपए की बात करेंगे, भगवान के सामने शर्त रखते हैं। अरे तुम भगवान से मिले हो? जो भगवान के सामने शर्त रखोगे कि भगवान मेरे बेटे की नौकरी लगने के बाद मंदिर में भंडारा कराऊंगा, मेरा ये संकट टाल दो, मैं इतने रुपए दान दे दूंगा, पहले कुछ करने की नहीं बनेगी। अरे सत्याग करके देखो, समर्पण करके देखो, सेक्रीफाइस करके देखो, काम होने के बाद करेंगे। डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले रसीद कटाते हो, फिर डॉक्टर से मिलते हो, और डॉक्टर एडमिशन भी कर लेता है यदि हॉस्पिटल में, तो पहले पैसे जमा करा लेता, फिर इलाज करना प्रारंभ करता है। अरे वो तो ईश्वर है। अब भगवान से कहते, हे भगवान, मेरा एक काम हो जाए तो मैं आपको मानना शुरू कर दूंगा। अरे मत मानना, ईश्वर थोड़ी बोला कि तू मुझे मान। क्यों भाई? भगवान को क्या जरूरत पड़ गई? कि वो तुम्हें अपने होने का प्रमाण पत्र देंगे? और ऐसे लोभी लालची व्यक्तियों को समझाना चाहिए कि उसे तुम क्या दोगे जो संपूर्ण विश्व को दे रहा है, पाल रहा है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला तो एक ही है, परमपिता परमात्मा, जगत जननी। भगवान को आपका पैसा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आपकी सच्ची भावना चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए। वह समर्पण देखता है, वह त्याग देखता है, वह पैसा नहीं देखता है। उनके सामने जब भी जाएं तो अपने पद का, पैसे का, ज्ञान का, अहंकार का त्याग करके दीनहीन बन करके जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो भी है यह सब उन्हीं का तो है।
तेरा दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई, और तेरा दर मिला तो जिंदगी ही तेरे नाम हो गई। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। एक बार और याद कर लो कि तेरा दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई, और तेरा दर मिला तो जिंदगी ही तेरे नाम हो गई। वाह, जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि भगवान से कभी भी शर्त मत रखो, और भगवान के सामने रुपए की गड्डी, पैसे के सिक्के ये कभी भी फेंको मत। वो खुद सबको देने वाला है, वो तुम क्या दोगे उसको? तो उस वो क्या चाहता है आपसे? वो सिर्फ समर्पण भाव चाहता है, आपसे प्रेम चाहता है, आपसे त्याग चाहता है, आपसे सेक्रीफाइस चाहता है। वो तो सबका है। जय माता दी।